नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है और देश की अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और दुनिया भर के अर्थशास्त्री, आर्थिक संस्थान और दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले रेटिंग एजेंसियों ने भी भारत की जीडीपी में गिरावट की बात कही है और कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था स्लो हो रही है और इसकी रफ्तार 4-5% के बीच रहने का अनुमान लगाया गया है। वहीं कई भारतीय उद्योगपति भी अब धीरे ही सही लेकिन मोदी सरकार की आलोचना कर रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की चीफ अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने मोदी सरकार को अर्थव्यवस्था से संबंधित सुझाव दिए हैं। आईएमएफ की गीता ने कहा है कि मोदी सरकार को चाहिए कि वो बैंक क्लीन अप और लेबर रिफॉर्म जैसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करें। घरेलू डिमांड को बढ़ाने के लिए भारत सरकार को नई स्कीम लानी चाहिए। उत्पादन बढ़ाने के साथ ही साथ रोजगार के अवसर भी बढ़ाने की जरूरत है और भारतीय टैक्स जिसकी क्षमता कम है उसे भी भारत सरकार को बढ़ाना चाहिए। इसके साथ ही साथ आईएमएफ की चीफ अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने कहा कि जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ग्रोथ का अनुपात घटा सकता है। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि इसी अक्टूबर में आईएमएफ ने भारत की जीडीपी जारी की थी और इसमें कहा था कि भारत की जीडीपी 6.1% की रफ्तार से बढ़ेगी और इसी के साथ ही साथ 2021 के लिए कहा था कि भारत की जीडीपी 7.1% के हिसाब से आगे बढ़ेगी। लेकिन अब गीता गोपीनाथ की माने तो भारत की अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी है। ऐसे में भारत की जीडीपी की रफ्तार आगे के बजाय पीछे को जा रही है। ऐसे में आईएमएफ भारत की रफ्तार को घटा सकता है और मोदी इसकी माने तो भारत की ग्रोथ रेट 4.1% पर आ गई है। इसके साथ ही साथ गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत की यही रफ्तार रही तो 5 ट्रिलियन तक पहुंचना संभव ही नहीं, असंभव सा लग रहा है। अगर आईएमएफ की चीफ अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ की माने तो $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए भारत को अगले 6 साल तक 9% दर से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना होगा। इसी बीच मोदी सरकार के बचाव में मंत्री और पार्टी के बड़े नेताओं का कहना है कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार आगे बढ़ जाएगी क्योंकि मोदी सरकार इसके लिए काफी कदम उठा रही है, लेकिन ताजा आंकड़ों की माने तो ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन जब सभी अर्थशास्त्रियों का कहना है तो देखना होगा कि सरकार बजट में क्या करती है जिससे अर्थव्यवस्था को आईसीयू से निकालने के लिए बूस्टर डोज दी जा सकती है। लेकिन ये अनुमान है, होता क्या है ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो भारत की अर्थव्यवस्था आईसीयू में है।